थी अभी, मुझसे किसी ने रिसेंटली पूछा था कि वहाँ पे सरसों का तेल मिलता है क्या। आज के ज़माने में धनिया भी फ्री नहीं आता, सब्सक्रिप्शन इज फ्री, सो डू इट राइट। 25 भाट पर केजी है, 28 भाट पर केजी, 110 भाट पर केजी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग जहाँ पे भी हैं एकदम हैप्पी हैं, एकदम हेल्दी हैं। सो इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। और आज आप मेरे पीछे जो ये जगह देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज क्लोंग टॉय मार्केट। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स ऑफ बैंकॉक। साथ मुझे लगता है दिस इज़ दी बिगेस्ट मार्केट, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रेश फूड की वैरायटी है। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द बिगेस्ट फ्रेश फूड मार्केट ऑफ बैंकॉक। यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड, फ्रेश मीट, फ्रेश सी फूड सब कुछ एकदम ताज़ा मिलता है। और इसीलिए शायद इस मार्केट को बैंकॉक का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे बैंकॉक में रहने वाले सब लोगों की, आई थिंक बैंकॉक के आसपास रहने वाले सब लोगों की भी फूड नीड्स यहाँ पे पूरी होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेड बास्केट ऑफ बैंकॉक। सो एक और फन फैक्ट बताती हूँ कि आई एम ऑल्सो विजिटिंग दिस मार्केट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो लेट्स गो एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस मार्केट टुगेदर। सो ये जो मार्केट है ये एकदम सेंटर ऑफ द सिटी में है, सो यहाँ पे आना चैलेंजिंग नहीं है। द ओनली डिफिकल्ट पार्ट वॉज, जिसकी वजह से मैं इसको अभी तक अवॉइड कर रही थी, सो इट वॉज़ बिकॉज ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे क्या चीज़ कहाँ मिलेगी वो ही नहीं पता। सो इट्स ओके, टुडे आई एम नॉट हेयर टू बाई एनीथिंग, आई एम हेयर जस्ट टू एक्सप्लोर दिस मार्केट। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट दिस मार्केट रिमेन्स ओपन थ्रू आउट द डे, लाइक 24 आवर्स ओपन रहता है। सो आइडियली अगर यहाँ से कुछ खरीदना है तो या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग आउट, बट दिस इज़ द टाइम, लाइक आई एम हेयर राइट आफ्टर लंच, सो इस टाइम पे भीड़ कंपैरेटिवली थोड़ी कम होगी। एंड फॉर विजिटर्स दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस। सो नाउ लेट्स बिगिन। एक्चुअली ऑल्सो कॉल्ड एज दी वेट मार्केट, बट आई थिंक मैं किसी गलत ही गली में घुस गई। आई कैन नॉट स्टैंड हेयर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेट मी रश बैक। मैंने एक्चुअली ये डबल मास्क ये सोच के लगाया था कि इट्स बेटर टू पुट डबल मास्क, बिकॉज भीड़ वाली जगह जा रही हूँ, बट मैं इस डबल मास्क के बाद भी आई कैन नॉट स्टैंड हेयर, दिस सो स्मेली दिस एरिया इज। So let me actually find out the better place. कुछ वेजिटेबल मार्केट में जाके देखती हूँ, कुछ ग्रॉसरी सेक्शन में जाके देखती हूँ, बट दिस इज़ वन थिंग आई कैन नॉट स्टैंड हेयर एंड आई कैन नॉट शो दिस टू यू मोर देन दिस। सो लेट्स पॉज फॉर सेकेंड। सो वेलकम बैक। यहाँ पे आके थोड़ा बेटर लग रहा है, आई एम हैप्पी कि मुझे थोड़ा सा वाटरमेलन, एप्पल, ऑरेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो लेसन लर्न कि ऐसे बड़े नए मार्केट में, विच इज़ एक्चुअली फेमस फॉर समथिंग आई एम नॉट यूज टू, तो मुझे थोड़ा सा और देख के आना चाहिए था। मैं रैंडमली किसी ऐसे ही एक एली में घुस गई एंड इट वॉज, आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल। सो एनी वेज लेट्स कंटिन्यू एंड नाउ लेट्स सी वॉट इज हेयर। सो पाइनएप्पल की यहाँ पर जो वेराइटी दिख रही है, इट इज़ 45, 20, 30, 25, आई थिंक अलग अलग साइज के हिसाब से है। हेयर कम मैंगोज। बेस्ट पार्ट इसके सब पे प्राइसेस लिखे हुए हैं,
वरना यहाँ पे समझाना और पूछना ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे प्राइसेस मेंशन है। बनाना का ये पूरा बंच इज ऑफ 75 baht। यहाँ पे जो है ये 60s में है, ये थोड़ा राइप्ड है। ये छोटे वाले आर ऑफ 35 baht का पूरा एक बंच। अब ये जो एरिया है ये एकदम मेन रोड पे, यू कैन सी एकदम वहाँ पे रनिंग रोड है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस मुझे अंदर के कंपैरिजन में 2-3-4 baht ज़्यादा दिख रहा है। एंड अगेन यू कैन सी दिस साइड फ्रेश, एज आई सेड फ्रेश। ओह माय गॉड, नूडल्स, सॉरी, टर्टल्स। तो मैंने काफ़ी सारा एरिया देख लिया है यहाँ पे। नॉट ओनली फूड, यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, ग्रॉसरी का सामान यहाँ पे बहुत सारा अवेलेबल है, ड्राई मसाले वगैरह। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ कपड़े वगैरह की भी दुकानें दिख रही है, यूटेंसिल्स की भी दुकानें हैं। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सब कुछ है एंड इट इज़ एक्चुअली ह्यूज मार्केट। सो ऑफकोर्स मैं एक वीडियो में शायद कवर भी नहीं कर सकती कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, बट आप देख सकते हो, आप आइडिया लगा सकते हो। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं। एक शॉप है जहाँ पे मुझे देखना था, वहाँ पे इंडियन ग्रॉसरीज मिलती है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर दैट शॉप कि वो कहाँ पे है। अगर मिल जाएगी तो आई विल शो दैट आल्सो टू यू, सो स्टे ट्यून्ड। मीनवाइल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया और देती हूँ कि यहाँ पे इस मार्केट के अंदर क्या है प्राइसेस सब्जियों के। सो वी विल ओनली टॉक अबाउट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सो लेट्स हैव अ क्विक लुक। यहाँ पे है दिस कैबेज इज ऑफ 25 baht पर केजी। देन क्यूकम्बर इज 20 baht पर केजी, आई डोंट नो ये क्या है, पता नहीं। देन मशरूम्स की यहाँ पे भी बहुत वैरायटी है, 65 baht, देन 13 baht, 55 baht। देन यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं एंड प्रिटी रीजनेबल ऑल्सो, 60 baht, 50 baht। धनिया पत्ती इज 90 baht पर केजी, मूली इज 22 पर केजी। अंदर चलते हैं, इस शॉप पे सब कुछ है तो मैं यहाँ पे ही आपको थोड़ा आइडिया देती हूँ। दिस इज बीन्स, यहाँ पे अदरक है 28 baht पर केजी। देन ये वाली बीन्स, ये अपने नहीं तो मटर है, वो मटर अच्छे भी नहीं है बट 150 का, तो मटर इज प्राइसी राइट नाउ, मे बी ऑफ सीजन होगा। इधर टोमेटोज आर वेरी वेरी चीप राइट नाउ। देन ये गाजर है 28, ये बड़ा वाला नींबू इज 85, अदरवाइज छोटे नॉर्मल नींबू आते हैं वो 2-4 baht का एक आता है। दिस इज प्रोबेबली सम इम्पोर्टेड वंस। कैप्सिकम ग्रीन वाला इज 90, रेड एंड येलो बेल पेपर्स आर 110, 110 baht पर केजी। प्याज का भी अलग अलग वैरायटी है, दिस इज वन इज 30, और जो देसी अपना इंडिया टाइप जो होता है रेड वाला वो है 40। आलू इज 38। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ों के प्राइसेस यहाँ पे बता दिए हैं। बिल्कुल मुझे अपने इंडिया की सब्जी मंडी की याद आ गई है, बिल्कुल डिट्टो वैसी है, वैसे ही लोग आवाज़ लगा रहे हैं, आलू 20 रुपये किलो, आलू 20 रुपये किलो, एंड एग्जैक्टली सिर्फ भात ये लोग चला रहे हैं, बिल्कुल वही फीलिंग है। बट एनीवेज आई होप आपको ये फील बैंकॉक के रियल मार्केट का फील देख के अच्छा लगा होगा। बट फॉर श्योर जैसा इंडिया में होता है वैसे ही यहाँ का प्राइसेस मंडी के वहाँ पे भी कम होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी वेजिटेबल मार्केट के प्राइसेस बाकी मार्केट से, बाकी शॉप के कंपैरिजन में बहुत कम है। ओके, सो मुझे मेरा इंडियन स्टोर मिल गया है जैसा मैंने आपको कहा था पहले, सो इट इज़ राइट बिहाइंड मी। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सामान मिलता है इंडियन ग्रॉसरीज का यहाँ पे। वैसे आई ऑलरेडी नो बिकॉज ही इज़ द सेम गाय हु डिलीवर्स एट माई होम ऑल्सो, बट आज मैं मार्केट आई थी तो आई थॉट वाई नॉट टू पे माई विजिट टू दिस शॉप ऑल्सो, सो लेट्स गो इनसाइड नाउ। यहाँ पे सारे मसाले हैं जो ड्राई मसाले आते हैं, जीरा पाउडर, चकदे इज़ द ब्रांड, मेथी दाना, अजवाइन, राई, सौंफ, जीरा, देन हल्दीराम की भुजिया, पार्ले जी इज़ इतना बड़ा पैकेट जो है ये 90 baht का है, भुजिया इज 45 baht। और भुजिया की तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है। ओह वाओ, दिस वन इज़ ऑफ 100 baht, हल्दीराम पानी पूरी, ये 80 baht की है, मसाला चाय है, यहाँ सब कुछ है। देन राजधानी का बेसन, कुछ पटेल फ्रेश, तो दे ऑल आर द इंडियन सप्लायर्स आई एम श्योर। देन यहाँ पे अपना मसाला, यू कैन सी द रेट्स,
सबके अलग अलग हैं, बट सारे मसाले एवरेस्ट के, कैच के, देन अमूल का घी इज़ 320, और ये जो दूसरी वैरायटी का है अमूल का, इट इज़ 340। गुलाब जामुन इज़ 150, ये भी हमने रिसेंटली मंगाया था, इट इज़ ऑब्वियसली इट इज़ गुड। अमूल बटर इंडिया वाला, ये अभी मुझसे किसी ने रिसेंटली पूछा था कि वहाँ पे सरसों का तेल मिलता है क्या, सो यस सरसों का तेल मिलता है, कच्ची घनी है यहाँ पे, फॉर्च्यून का है यहाँ पे, वाओ मैगी है यहाँ पे, क्या चाहिए, लाइफ लाइफ सॉर्टेड है इस शॉप पे आने के बाद। ऑलराइट, सो ये थी थोड़ी बहुत ग्लिम्सेस इंडियन ग्रॉसरी की। आई एम सॉरी मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज दैट गाय वाज नॉट कंफर्टेबल कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो मैंने वहाँ ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी। बहुत सारे लोग ऑलरेडी शॉपिंग भी कर रहे थे, बट येस दिस इज़ दी बेस्ट शॉप, आई ट्रस्ट मी, और ये ऑलरेडी घर पर डिलीवर कर देते हैं, ही टेक्स जस्ट अराउंड 50 baht एक्स्ट्रा, सो नथिंग लाइक इट, आपको घर बैठे सारा सामान फ्रेश आ जाता है। एंड वन मोर थिंग विच ही जस्ट मैंशन इज़ दैट यहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स दिन में दो बार आती हैं, एक तो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू कम एंड कलेक्ट द फ्रेश वेजिटेबल्स। इस टाइम पे आप देख सकते हो पीछे भी क्लीनिंग वगैरह हो रही है, इस टाइम पे ये लोग अपने आप को इवनिंग स्लॉट के लिए रेडी करते हैं, सो दिस मार्केट रिमेन्स ओपन 24 आवर्स, बट फ्रेश वेजिटेबल्स अर्ली मॉर्निंग, नॉट अर्ली बट अराउंड 8-9 AM और अराउंड 8-9 PM आप उस टाइम पर आएंगे तो आपको ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स मिलेंगी। रात में थोड़ा और डिले भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी यहाँ पे। सो या आई थिंक दैट्स इट इन दिस वीडियो, मैंने सब कुछ लगभग आपके साथ शेयर कर दिया है, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, कुछ भी कहो, मानो या ना मानो, आप लोग इतनी ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं ना सब्सक्राइब करने में, आज के ज़माने में धनिया भी फ्री नहीं आता, सब्सक्रिप्शन इज़ फ्री, सो डू इट राइट नाउ, यहाँ नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा, हिट दैट राइट नाउ। अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फ्रॉम बैंकॉक, टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अदर वीडियोज, आई हैव लॉट मेनी वीडियोज नाउ, सो गो एंड बिंज वॉच देम, बाय।